So finally we have made the Mahindra Thar 2020 and trust me, it looks massive. बजट में अगर एक एसयूवी चाहिए जो कि ऑफ रोडिंग भी कर सके, इससे अच्छा ऑप्शन और कोई हो नहीं सकता, द महिंद्रा थार 2020. So if you ask about my initial impression about this Mahindra Thar 2020, it's going to be like save your extra money, save the 60 lakhs and get this. Don't get the Jeep Wrangler for like 75 lakhs. Please get this for 15 lakhs and you will be done with it. It actually looks good. Matlab, from no angle you can see that it looks different than the Wrangler. Exactly Wrangler ko bol sakte ho, exactly Wrangler ka copy hai. So Wrangler ko 75 lakhs se khareedne se acha hai 15 lakh mein ek Thar jaake le lo. Khatarnak bada dikhta hai. Aisa nahi ki 15 lakh mein ye chota dikhta hai ya fir premium nahi dikhta hai. 15 lakh mein ye jitna dikhta hai. It actually looks good. Talking about the specs, ये अभी दो variants में आता है, एक तो diesel engine में भी आता है और एक petrol engine में भी आता है. उसके बाद उनका दो तीन models हैं, LX, X, बहुत सारे actually models हैं. Models थोड़ा confusing है. आप सबसे अच्छा है आपको अगर खरीदना है या फिर इसका configuration देखना है, best है कि Thar का website को चले जाओ, एक configuration वाला पेज आएगा, बहुत सारे add-ons है. Add-ons जाके आप चूज करके लोड कर सकते, देख सकते हो कि आपको टोटल पैसा कितना आएगा. प्राइसिंग का इज वेरी वेल प्राइज, मतलब आप टोटल एडोन शेडोन सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद भी आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू गो पास 15 लाख. 15 लाख के अंदर आपका सब एडोन इंस्टॉल करके ऑटोमेटिक वाला Thar आराम से आ जाएगा. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थिंग्स व्हाट आई पर्सनली लव्ड अबाउट दिस महिंद्रा Thar. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द वे दिस कार लुक्स. 15 लाख में ये जितना दिखता है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कार व्हिच लुक्स एज प्रीमियम एज दिस फॉर 15 लाख. 15 लाख में यू हैव टू सी दिस कार. आगे में देखो Z4 कितना छोटा दिख रहा है, ये कितना बड़ा दिख रहा है एज कम्पेयर टू द Z4 एंड एवरीथिंग लुक्स स्पॉट ऑन डिजाइन से, मतलब एंड टू एंड. ये वाला भी एलॉय का डिजाइन पकड़ लो, कलरिंग इज बेस्ट. अपना जो टायर का साइज है वो भी खतरनाक है, टायर का जो मतलब जो डिस्टेंस है वो भी खतरनाक है एंड डिजाइन एवरीथिंग एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन. मतलब पूरा एग्जैक्टली बोल सकते हो कि रैंगलर अपना जैसा दिखता है, जीप रैंगलर एग्जैक्टली जैसा दिखता है, ये एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है. रैंगलर से थोड़ा छोटा होगा, बाकी रैंगलर इज लाइक 75 लाख एंड दिस इज जस्ट 15 लाख. ट्रस्ट मी, दिस इज रियली वेल बिल्ड. सेकंड थिंग व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस Thar, इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है. ऐसा नहीं है कि आपको ओनली एक दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको वही एक दो ऑप्शंस ही खरीदना है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है एंड एक्चुअली आपको उसको बहुत सारे कॉन्फिगर करके एडोन्स वेडोन्स भी इंस्टॉल करवा सकते हो. जैसे आपको पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल ले सकते हो, डीजल चाहिए तो डीजल ले सकते हो. कलर का ऑप्शन भी 7-8 आराम से कलर का ऑप्शन है. उसके बाद जाके एडोन्स तो मतलब भर भर के, एंड एडोन का जो प्राइसिंग है वो भी खतरनाक है. मतलब एक छोटा छोटा एडोन जो कि BMW में अगर वही वाला सेम एडोन आप लेते हो, इट्स गोइंग टू बी गो पास लाइक 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा वही सेम एडोन इसका 3,000-4,000 में हो जाए. मतलब आप उसका सब एडम्स इंस्टॉल करने के बाद भी द टोटल प्राइस इज नॉट गोइंग टू गो पास 15 लाख. एंड नाउ सम पॉइंट्स व्हिच आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस कार. सो सबसे पहला चीज जो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा वो है ये अपना जो बूट स्पेस. बूट स्पेस एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कम है. आप देख सकते हो यहाँ स्पेस ही नहीं है, आप आराम से यहाँ पूरा एक बड़ा वाला बैग रख भी नहीं सकते. अगर आपको रखना है ये दोनों सीट का वो नीचे करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ फिट होगा. एंड और एक जो चीज़ मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा है वो है अपना इंटीरियर में जो अपना इनका जो मतलब फिट एंड फिनिश है वो वाला और थोड़ा अच्छा होना चाहिए और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लो. बाकी ये जो फिट एंड फिनिश है, ये जो स्टीयरिंग पकड़ लो, मतलब ये थोड़ा ट्रक का स्टीयरिंग जैसा दिख रहा है एंड ये जो सब इंटीरियर, ये सब रफ एंड टफ बना हुआ है. बाकी थोड़ा एड ऑन से दे के इसको और थोड़ा प्रीमियम वाला लग्जरी वाला ऑप्शन भी देना चाहिए. ये वाला चीज़ मेरे को थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा. बट एक ही बैड न्यूज़ ये है कि अगर आपको Thar खरीदना है या फिर Thar को ऑर्डर करना है, देन ये डिलीवरी वाला टाइम खतरनाक है. मतलब उतना टाइम में आराम से कोई जर्मन से एक CBU वाला कार आ जाएगा, बाकी Thar ने डिलीवर नहीं हो सके क्योंकि Thar का इतना सारा ऑर्डर्स हो गया इंडिया में, इतने सारे ऑर्डर्स है कि महिंद्रा को भी डिलीवर करने में प्रॉब्लम हो रहा है. सो बेसिकली द डिलीवरी टाइम इज ह्यूज. अगर आपको लेना ही है तो जल्दी से बुकिंग करना पड़ेगा क्योंकि आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू बुक वन, क्योंकि मेरा जब तक ऑडी नहीं है तब तक वी कैनॉट बाय न्यू कार. तो अगर ऑडी चले जाता है मे बी आई शुड बी एबल टू, मतलब अगर ऑडी जाता है मे बी यही वाला अपना टॉप ऑफ द लिस्ट में रहेगा कि Thar ब्लैक वाला ही आना चाहिएगा. तो दैट्स ऑल अबाउट द इनिशियल इंप्रेशन अबाउट दिस महिंद्रा Thar 2020. ये जस्ट खाली एक इनिशियल इंप्रेशन वाला वीडियो था. जिस दिन एक लंबा वाला राइड पे जाएंगे उस दिन एक अच्छा वाला एक राइड वाला रिव्यू बना देंगे. बाकी अभी के लिए आई मीन आई लव दिस कार. दिस द वे इट लुक्स, द वे इट हैंडल्स एंड द वे इट्स प्राइज्ड, आई मीन इट्स अमेजिंग. 15 लाख में इससे अच्छा गाड़ी और हो नहीं सकता. इसको एक रखना चाहिए गैराज में, हो सकता है तो मैं भी एक लेके रखूँ गैराज में. एनी वेज इट्स अ डिसीजन फॉर अनदर डे. आज के लिए बस इतना ही था. मेरे को फिर जाके और इसका और क्या क्या वीडियो हम बनाएंगे महिंद्रा Thar का, आपको और क्या क्या वीडियो देखना है महिंद्रा Thar के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू गो इट एंड डू इट बाय नेक्स्ट वीक और सो. एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू व्लॉग. बाय बाय.